Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, how are you all? Very good morning to all of you guys. I am Pratibha Singh and today we are here with SBI Clerk Study Plan 2019 and today we are on day 8. हमारे डे 7 तक के जो प्लान है वो कंप्लीट कर चुके हैं. इफ़ यू हैवन्ट गॉन थ्रू दोज वीडियो सो प्लीज़ गो थ्रू एंड वॉच वॉट वी हैव टॉट हेयर. ओके गाइज, सो हेयर वी हैव डे 8 एंड टूडेज आर टॉपिक इज पैरा जिम्बल्स. So in this video, I will teach you how to solve para jumble what will be the tricks to solve it and tips in short duration of time, and then cursor will come and he will teach you some questions based on quantitative techniques QT and reasoning sir will come and then आपको वो पढ़ाएंगे यहाँ पर कुछ आपके reasoning questions. Okay guys, so हम चलते हैं अपने para jumbles के questions की तरफ. We'll directly come to our questions. How to solve these para jumbles, we'll see. Longer work because the room was so cold. All I know is that I stood spellbound in his north facing windows in front of the heavy highly ceilinged studio room with its mahogany table at which Michael said he no. हाँ जी भाई, जय हिंद सबके लिए, जय हिंद सबके लिए, गुड मॉर्निंग. बताइए भाई यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. वॉइस प्रॉब्लम सूरज गॉन. आई डोंट थिंक दैट देर इज़ अ वॉइस प्रॉब्लम. आई होप यू कैन लिसन टू मी एंड वॉइस इज ऑल ओके. देर इज नो साउंड प्रॉब्लम. इफ यू थिंक देर इज साउंड प्रॉब्लम सो यू कैन रिफ्रेश द पेज. प्लीज प्रेस द बटन रिफ्रेश. ओके, रिफ्रेश द पेज. ओके, लियासा का आंसर आया है थर्ड वन, दैट मीन्स बी डी सी ए ई. सो गाइज, देखिए हमारी यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, एक मोमेंटम की हो रही है. एक हमारे सीन दिया हुआ है यहाँ पर किस तरह से कुछ हो रहा है पर्टिकुलर रूम के अंदर. सो हेयर यू हैव ऑल आई नो. सो फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट विच वन विल बी दी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और स्टार्टिंग ऑफ आर सेंटेंस. फ्रॉम विच पार्ट वी विल स्टार्ट आर सेंटेंस. सो लॉन्गर वर्क बिकॉज द रूम वॉज सो कोल्ड. A cannot be the right answer here. We cannot start our sentence with A. Okay, because here we have because and longer worked because, so it makes no sense here. So we can eliminate A. All I know is that I stood spellbound in his. So here you can say all I know. मैं सब कुछ, मैं जो ये जानता था is that I stood spellbound. Spellbound. अच्छा, what is the meaning of spellbound? Here you have to comment also. क्या meaning है? लेकिन हाँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के हमें इसके मीनिंग पे नहीं जाना है. कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग पे जाओगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो वी कैन से वी कैन स्टार्ट आवर सेंटेंस विद बी, बट अगेन वी हैव डायलेमा, वी आर नॉट श्योर. सो विल मूव ऑन टू सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट. नॉर्थ फेसिंग विंडोज इन फ्रंट ऑफ द हैवी, नो. डी पार्ट, हाई सीलिंग स्टूडियो रूम, नो. सो वी विल स्टार्ट आवर सेंटेंस ओनली विद बी. So guys, one of the most important part, and you say first part, beginning of our sentence and first part of our sentence.
फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट फर्स्ट पार्ट ऑफ आर पैरा जंबल. सो देखिए यहाँ पर जो हमारा पैरा जंबल जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है, वो हमारा हमेशा स्टार्ट किससे होगा. हमेशा हम कहते हैं कि नाउन से स्टार्ट होना चाहिए जिसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया हो किसी भी सेंटेंस का. ओके तो यहाँ पर बी में वो पॉइंट हमारा आ रहा है और यहाँ हमारा बी से जो है स्टार्ट होगा. नाउ यू हैव हाई सीलिंग स्टूडियो रूम स्पेल्ड आई नो दैट आई स्टूड. सो आप खड़े हुए हो और इन, तो यहाँ पर आपका देखो ये जो आया है इन किसी प्लेस के लिए होगा. अगर होता यहाँ पर ऑन तो हो सकता है स्टूल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑन नहीं है, इन है. सो इट विल रेफर टू अ प्लेस एंड दैट प्लेस हैज बीन डिफाइंड इन डी पार्ट. सो बी डी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन चुका है. देन यू हैव विद इट्स यहाँ नॉर्थ फेसिंग विंडोज एंड फ्रंट ऑफ द हैवी. सो यहाँ पर विंडोज जो होती हैं वो किस में होती हैं, रूम में होती हैं. सो डी पार्ट का कुछ पार्ट जो एक्सप्लेन करा गया है सी पार्ट में. सो बी डी सी हमारा हो जाएगा. देन यू हैव इन फ्रंट ऑफ द हैवी मैगनी टेबल एट विच माइकल सेड ही सेड नो लॉन्गर वर बिकॉज अ रूम वॉज सो कोल्ड. सो हेयर यू कैन से बी डी सी ई ए. सो गाइज यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टू फिगर आउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हेयर एंड देन सेकेंड स्टेप विल बी पेयरिंग ऑफ आर सेंटेंस. आपको पेयरिंग करनी है, पेयर बनाने हैं. जैसे कि यहाँ पर जो पेयर बना था वो किसका बना था, डेफिनेटली बी और डी का भी बना था एंड डी के साथ में फिर सी का भी पेयर बना था. ओके गाइज सो आई होप ये जो क्वेश्चन है एकदम क्लियर है आपको. बी डी सी ई ए, हेयर आई एम राइटिंग B, D, C, E, A. It will be the correct sequence. Okay guys, now we'll take our next question. हम चलते हैं next question की तरफ. यहाँ पर मैम योर ईमेल प्लीज, माई मेल आई डी इज prathiba.singh@tastebook.com. यस बिल्कुल करेक्ट आयुष कुमार, स्पेल बाउंड होता है mesmerized. एकदम आश्चर्यचकित. आई वॉज स्पेल बाउंडेड, सो दैट मीन्स आई वॉज स्टंट, आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड. ठीक है, हम लोग कहते हैं कि मुझे मेस्मराइज कर दिया, भ्रमित कर दिया, स्पेल बाउंड. ओके सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. हियर वी हैव ओनली अ सिंगल सेंटेंस और इस सेंटेंस को किस में दे रखा है, इस सेंटेंस को शफल कर रखा है. चलिए भाई बताइए कि क्या होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस. योगी सरन, वेरी गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी भाई, यू आर लेट टुडे बट यू कैन वॉच आवर वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आफ्टरवर्ड्स. ममता जिना ने बोला है फोर्थ वन ई डी ए बी सी. ओके सो नाउ कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ इट, वी कैन नॉट, वंस अगेन वी हैव टू फिगर आउट विच विल बी द बिगनिंग ऑफ आवर सेंटेंस. ओके फ्रॉम विच पार्ट वी कैन स्टार्ट आवर सेंटेंस. आयरन पोल्स विद देयर, नो देयर आ चुका है, प्रोनाउन आ चुका है. द शेड ट्री टू मेक रूम फॉर, वंस अगेन नो. टेलीफोन इलेक्ट्रिक कंपनीज आर, वी कैन से टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज आर, वी कैन से कि इट कैन बी द बिगनिंग ऑफ आवर सेंटेंस. बट हेयर यहाँ पर कोई भी जो चीज़ है वो कनेक्ट नहीं हो रही है. ओके तो इसीलिए हमारा जो है ई के बाद में हमारा ओके यस. सो हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है. यहाँ पर डी पार्ट हो सकता था लेकिन वो क्या है और हमें आगे लेके नहीं जा रहा है, इसीलिए डी से हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है. द स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ, स्ट्रीट्स आर पेव्ड नाउ. अच्छा ऑप्शंस की भी अगर हम हेल्प लें तो यहाँ पर हमारा डी जो है वो सारे ही ऑप्शंस में है. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एज वेल. हेयर वी हैव ई पार्ट in the beginning, then you have what, either E D is the combination or E A is the combination. Okay so E D, the streets are paved now and the, here if you say and the cutting down more and more, so we can eliminate third option as yahan par ye jo hai hamara pairing nahi ho rahi hai. So we can say, we can use E and D. Companies are cutting down and डी और ए का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए भाई. टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ऑफ,
डी और ए का पेयर बन रहा है यहाँ पर मोर एंड मोर ऑफ। कटिंग डाउन क्या कर रही है? अच्छा, आयरन पोल को काटेंगी या फिर आपका किसको काटेंगी? यहाँ पर हमारा हम कह सकते हैं कि ट्रीज को काटेंगी, द शेड ट्रीज टू मेक रूम फॉर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि स्ट्रीट्स जो है उनको पेव कर दिया गया, यानी कि उनको बना दिया गया स्ट्रीट्स को। एंड द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनीज आर है हमारा रूल यहाँ पर लग चुका है। आर के बाद में आइदर यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म टू मेक इट अ पैसिव वॉइस और यू कैन यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ओके, सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर है इसे बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर बेसिक्स में आप जाके कि क्या हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उस पर जाके आप कोई भी सेंटेंस उसको फॉर्म कर सकते हो। सो ई डी ए देन यू हैव सी एंड देन यू हैव बी। आई होप यहाँ पर ये जो मैसेज है आपको एकदम क्लियर है। फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। अभी तक दो क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पर। देखिए, वंस अगेन अगर मैं डी से स्टार्ट करूँ, मेरा डेफिनेटली डी से अगर मैं कहूँ, अगर ई नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो डी से भी स्टार्ट हो सकता था। इफ़ आई से लेट स्टार्ट विद डी, वैसे तो हमें क्या है यहाँ पर ऑप्शंस पे पहले नहीं जाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्यूरेसी हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हम ई डी वी डी सेट करते रहते हैं अपना, और उसके बाद में आंसर जो होते हैं हमारे हम गलत दे के आ जाते हैं, और हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बल्कि एक्यूरेसी जो होती है कम हो जाती है। So please guys, don't go to the option first, go to your questions and then solve the question. Okay, यहां पर हमारा D से भी अगर देखिए E part नहीं होता, so definitely हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर D और A का pair और C B का pair हमारा definitely बन रहा है। यहां हम कह रहे हैं कि telephone electric companies are cutting down more and more of the shade or trees to make room for iron poles with their lifeless long lines. Okay, and the streets are paved now. So E D A C B is the correct option. अभिषेक कुमार राय, इसी के एग्जाम पैटर्न पर देखिए, आपको दो तीन क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ यहाँ पर। पैटर्न आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेवल आपका क्लैरिकल में सेम होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अभिषेक कुमार राय, आई हैव रिप्लाइड, यहाँ पर लेवल जो है वो सेम होगा, आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें डेफिनेटली। वो क्या कर सकते हैं, देखिए जो पैरा जंबल आता है उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो होता है उसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर पी क्यू आर एस दिए हुए होते हैं हमारे, इनको क्या होता है करना होता है, शफल करना होता है, कई तरीके से पूछा जाता है। या फिर आजकल जो आने लगा है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ना फिक्स करके फोर्थ, या फिर मान लीजिए मैंने कि दो पार्ट, फोर्थ पार्ट या सिक्स पार्ट अपना फिक्स कर दिया है। यहाँ पर जो नंबरिंग है वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दी हुई है, उसको शफल करना होता है। तो कैसे भी तरीके से आ जाता है, लेकिन हमारा पैरा जो मेन क्वेश्चन है वो तो वही रहता है कि आपको पैरा जंबल यानी कि आपको सेंटेंस जो है वो उसको एक सिक्वेंस में लगाना है। आई होप नाउ यू गॉट योर आंसर अभिषेक कुमार राय। ओके, शिवम पांडे ने बोला है फर्स्ट वन विद विच ही ग्रीट अ रेनबो और अ रोज। शिवम पांडे, सौम्या माथुर ने बोला है फोर्थ वन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, काफी अच्छा सेंटेंस है ये, काफी अच्छा पैरा जंबल है। ओके, सो मौमिता हजरा सेकेंड वन अभिषेक कोचेगर डी बी सी ई ए, दैट मीन्स, अच्छा मुझे भी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ऐसे सेकंड वन आंसर दे तो ज़्यादा अच्छा होता। योगी सर ने बोला है फर्स्ट वन, मैम पक्का। सुधांशु रंजन ने बोला है विद ऑप्शन नंबर टू। अच्छा गाइज, यहाँ पे ये बताइए, आपने अभी तक, मैंने आपको कुछ अपनी यहाँ पर ट्रिक्स दी हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, नाउ यू हैव टू शेयर योर स्ट्रैटेजी विद मी, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइज। अच्छा भाई, यहाँ पर एक तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इनके आने का कुछ यूज़ नहीं होता है, इनको हाइड कर दिया जाता है बहुत जल्दी। ओके, चलिए बताइए भाई कि आंसर तो मैं आपको बाद में दूंगी, फर्स्ट यू नीड टू टेल योर स्ट्रेटजी हेयर कि स्ट्रेटजी क्या है। श्योरली टू है, फोर्थ वन है, काफ़ी सारे अभी तक फोर्थ भी आंसर आ रहा है, डी बी सी ए ई। जो बच्चे जो हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में बोल रहे हैं कि 100% होगा, सुधांशु। शिवम पांडे, मैम ऑप्शन टू होगा। शिवम पांडे, आपने फिर गलत क्यों किया, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में, गाइस देखिए यहाँ पर आप जल्दी आंसर देना चाहते हो इसीलिए गलत हो रहा है।
और उससे पहले जो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब भी बेटा यही एरर करोगे कि नहीं मेरा टाइम भाग रहा है, मैंने जो पॉइंट्स उन्हें पढ़ा नहीं। हाँ जी भाई, ब्लॉक तो कर दिया है यहाँ पर विद ऑप्शंस, भावना ने करा है विद ऑप्शंस करा है, ठीक है। स्ट्रेटजी देखिए यहाँ पर हमारी दो चीज़ें बनती हैं, या तो हम क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएं अपने ऑप्शंस पर, ठीक है, या फिर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं अपने क्वेश्चंस पर, इसको सेट करें। ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी हो गई। गाइज आई वुड सजेस्ट यहाँ पर जो ऑप्शंस के थ्रू अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम रह जाएगी, ठीक है। अभी थोड़े बहुत दिन जो हमें प्रैक्टिस करनी है, जो भी थोड़ा सा टाइम बचा है क्वेश्चंस के थ्रू ऑप्शंस पर जाओ। पहले जो है अपने जो सेट्स हैं, पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो वहाँ पर ऑप्शंस देखते ही आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो विद ऑप्शन स्टार्ट विद डी और ए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शंस के थ्रू गए हैं। विद ऑप्शन इज बेस्ट स्ट्रेटजी, यहाँ पर देखिए डेफिनेटली इस क्वेश्चन में काम करेगी लेकिन एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ा सकती है यहाँ पर अगर ऑप्शंस के थ्रू जाओगे तो, क्योंकि ऑप्शंस पे आपने देख लिया या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। ए तो मेरा सेट बैठ नहीं रहा है, डी बैठ रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शंस के थ्रू आप गए हो लेकिन प्रैक्टिस सेशन में हमें जो करना है वो हमें करना है पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन में हमें जो जाना है वो क्वेश्चन के थ्रू जाना है। एग्ज़ाम हॉल में तो बैठ के हमें सारी स्ट्रेटजी यूजली हम भूल ही जाते हैं, वहाँ पर तो आप ऑप्शंस पे जाओगे लेकिन प्रैक्टिस जो कर रखी है ना उस पे जाके आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। सेकेंड इज़ दी करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोडक्टरी एंड मेक सेंस, अभिषेक कुमार करेक्ट है यहाँ पर। सो हेयर वी हैव आर करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन एंड इट इज़ वॉट डी बी सी ई ए। चलिए एक बार हम इसको करते हैं, ये तो आंसर तो आपका आ गया है डी बी सी ई ए, ये हमने स्ट्रैटेजी अपनी लगाई है। सो व्हेन ही क्रॉस टुवर्ड दी फार्मेसी, डी हमारा आ गया है, जब उसने फार्मेसी की तरफ क्रॉस किया देन यू हैव एट द कॉर्नर ही इनवॉलेंट्री टर्न हिज हेड, उसने इनवॉलेंट्री ना चाहते हुए भी अपना जो हेड था वो टर्न किया बिकॉज ऑफ अ बर्स्ट ऑफ अ लाइट दैट हैड ब्लाइंडेड। देखिए आपका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हो सी के साथ में, क्योंकि दो ऑप्शन है डी बी सी ए ई भी है यहाँ पर हमारे जो कन्फ्यूजिंग, क्योंकि सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा था, डी ओ बी तो हमारा इजी है यहाँ पर, लेकिन ये जो आपके दो ऑप्शन है इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। अब हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है। सी के बाद में देखो बिकॉज ऑफ अ बर्स्ट ऑफ अ लाइट दैट हैड ब्लाइंडेड, अब हमारे पास में एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड है ब्लाइंडेड, तो ब्लाइंड क्या होगा, उसकी आंखें ही होंगी और आंखें हमारी दी गई है कौन से ऑप्शन में, सी के बाद ई ऑप्शन में, ओके। सो सी के बाद में हमारा ई ऑप्शन यूज हुआ है, ये हो गई हमारी पेयरिंग, दैट मीन्स पेयरिंग अप्रोच। गाइज कभी भी, क्योंकि बीच ऑप्शन में जिन बच्चों का फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो आया है, आप गाइस कंफ्यूज जहां पर हो गए अनिल कुमार, क्यों, देखो डी बी तो हमने सेट कर दिया है, यही बच्चे आपने करा है ऑप्शंस पे जाके एक ऑप्शन पे टिक कर दिया है, वो 50-50% हो जाता है, ओके। चलिए भाई चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी भाई, लेकिन समझाना होता है, और भी बच्चे हैं यहाँ पर सागर सिंह, तो उन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर करनी होती है, कभी कभी टाइम एक क्वेश्चन पर ज़्यादा लग जाता है, ओके। चलिए आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए भाई कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट आंसर हमारा। सो अनिल कुमार आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि आपने गलती कहाँ पर करी है। हाँ जी भाई, माधुरी शर्मा मैम हाई लेवल के पैरा जंबल्स प्लीज़ कराइए, हाई लेवल्स के पैरा जंबल्स बच्चे नहीं आएंगे, कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी लेवल पर ही आएंगे। मैंने बोला है कि इंस्ट्रक्शंस कुछ और हो सकते हैं, दे कैन फिक्स आइदर फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस और लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस, और यू कैन से दे कैन फिक्स दी मिडिल पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस बट दे विल बी पैरा जंबल एंड लेवल विल बी द सेम, और आई कैन से दे विल बी ईजियर लेवल देन दिस, ओके। 200% ऑप्शन नंबर वन, सुधांशु रंजन ने बोला है ऑप्शन नंबर वन, दैट मीन्स हाउसेज वर वाइट। अच्छा भाई सुधांशु रंजन, फिर से पढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन को, हाउसेज वर वाइट एंड हाई एंड द एल्म ट्री वर।
चलिए भाई सुधांशु, थोड़ा सा और ट्राई करिए आपने 200% के साथ में, क्योंकि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, रीज़न होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 बोला है, ओके, फोर्थ भी हमारा ऑप्शन आया है, सुधांशु का आंसर आया है, अच्छा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर BCADE, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा, अगर बी से मैं स्टार्ट करूँ, हाउसेज वर वाइट एंड हाई एल द एन स्ट्री वर, चलिए कह सकते हैं ट्री वर, ट्री को हमने यहाँ पे, एंड ट्रीज वर ग्रीन एंड हायर देन द हाउसेस, वेयर द फ्रंट यार्ड्स वर वाइड एंड प्लेजेंट, स्टॉट स्टॉप्ड, सेंस हमारा ज़रूर जा रहा है लेकिन हमारा सही आंसर नहीं बना है। अब अगर हम यहाँ पे ए के बाद में, ओके सुधांशु, क्योंकि आपने 200% के साथ में जो बोला था, फ्रंट यार्ड्स वर वाइड एंड प्लेजेंट, स्टॉट स्टॉप्ड, अगर मैं यहाँ पर एक सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस लूँ, स्टॉप आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के बाद में आएगा मेरा डी, स्टॉप्ड इन द लवलीस्ट टाउन ऑफ ऑल, तो यहाँ पर क्या सेंस बन रहा है हमारे सेंटेंस का, स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड व्हाट, स्टॉप्ड के बाद में हमारा इन प्रपोजिशन कैसे आएगा, Stopped to get a drink. So हमारा देखिए यहाँ हमारा इसके बाद में ए के बाद में ये तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है, ए के बाद में डी नहीं बनेगा, करेक्ट है। सो हेयर यू हैव ऑप्शन नंबर 4 एंड यस इट इज द करेक्ट आंसर सुधांशु, 200% एक्यूरेसी के साथ में गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा टाइम देना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए डी मुझे लग रहा है, नहीं लग रहा है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, डी को चलिए हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले, वेयर दी हाउसेज वर वाइट, अगर चलिए बी से ही आपने स्टार्ट करा है सेंटेंस, मैंने बी से स्टार्ट करा है सेंटेंस, कोई बात नहीं, मुझे हो सकता है ना मिले मेरा सेंटेंस कौन सा है कौन सा नहीं है, हाउसेज वर वाइट एंड हाई एंड द एंड ट्री वर, देन यू हैव ग्रीन एंड हायर देन द हाउसेज, सी का कॉम्बिनेशन पेयरिंग बिल्कुल बन रही है, करेक्ट है। सी के बाद में मेरा क्या लग रहा है, ए लग रहा है, वेयर दी फ्रंट यार्ड्स वर, एक हमारे किसी हाउस को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी जो चारों तरफ चीजें थी उसको एक्सप्लेन, फ्रंट यार्ड्स वर वाइड एंड प्लेजेंट, स्टुअर्ट स्टॉप्ड टू गेट अ ड्रिंक, ठीक है, उसने स्टॉप करा, क्या चीज स्टॉप करी, टू गेट अ ड्रिंक, अब ये यहाँ पे सेंटेंस हमारा स्टॉप हो चुका है, हम इसके बाद में डी रखेंगे या फिर पहले डी रखेंगे ये हमें यहाँ पर फिगर आउट करना है, तो डी जो है हमारा पहले आ सकता है, इन दी लवलीस्ट टाउन ऑफ ऑल वेयर दी हाउसेज वर वाइट, वेयर को हाउसेज वर वाइट एकदम जस्टिफाई कर रहा है, सो डी हमारा बाद में तो नहीं आएगा, डी से वैसे एंड हो भी नहीं रहा है, डी बी सी ए ई इट इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो इस क्वेश्चन के साथ में मैं अपने ये जो क्वेश्चन से एंड करती हूँ आज के जो क्लोज टेस्ट है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ यू एंजॉयड दिस सेशन सो गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन हेयर, ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। गाइस देखिए अभी तक जो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी हैं वो क्या सीखी हैं, पैरा जंबल में कुछ आपका एज सच बहुत ज़्यादा हमें रूल्स तो वहाँ पे जाके याद भी नहीं रहेंगे, बेसिक्स जो चीज़ें हैं हमारी अप्लाई काफ़ी कम होती है पैरा जंबल में, पहले के क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि नॉट ओनली इस पार्ट में तो बट ऑल्सो यहाँ पर आ गया, कुछ बेसिक्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहला काम जो है हमारा किस पार्ट से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये फिगर आउट कर लेना, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट बिगनिंग किस से हो रही है ये निकाल लेना, आपका आधा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आधे के बाद में पेयरिंग ज़रूर कर लेना 100% एक्यूरेसी की, यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी किस में है, अब इस दो स्टेप पर ही 90% क्वेश्चन विल बी सॉल्व डेफिनेटली, ठीक है। ये जो स्टेप 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्टेप 1 हो गया है और ये हो गया है हमारा स्टेप 2, ठीक है। इसके बाद में आपको स्टेप 3 पर जो जाना है वो जाना है ऑप्शंस पर, वैसे तो बच्चे ये भी करते हैं कि ऑप्शन के बाद में यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 देन स्टेप 3 जाओगे तो एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके चलिए कोई बात नहीं, गलतियाँ डेफिनेटली इंसान से ही होती हैं, ठीक है,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ गलत हो गया है, हमारा क्वेश्चन जो कि हम बिल्कुल एकदम श्योर थे, तो गलत नहीं हो सकता। अपनी गलतियों से ही सीखना है यहाँ पर कि हमने जो गलती की है वो क्यों करी है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि टाइमली हमें सॉल्व करना है और उस टाइम में हमने बहुत जल्दीबाजी कर दी। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक हमारे पास वो होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि पर्टिकुलर ये जो है हमारी पेयरिंग बनी है तो क्यों बनी है, आंसर हमारा क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा सोचना है। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हम, अभी आपके आते हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्कर्ष सर आपके आने वाले हैं, जो कि आपको लेके आएंगे बहुत सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चन, और बताएंगे आपको बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके गाइस, सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, एंड इफ़ यू एंजॉय दिस सेशन गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। If you like our questions, if you like the level of our question, if you like the explanation, please hit the like button. Don't forget to subscribe our channel and don't forget to share as well. Thank you. Bye-bye and have a nice day. हेलो, नमस्कार, वेलकम टू टेक्स्टबुक। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए यार तुम लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। मधुरी, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। यार टाइम एंड वर्क की क्लास है आज, तो मज़ा ही आने वाला है। ये वाला टॉपिक तो मुझे बहुत ही पसंद है। और सुनो क्लर्क वाले बच्चे, शाम का सेशन आज बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आज मैं आपको जो केसलेट आया था ना, एक केसलेट आया बेटा टॉपिक बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक केसलेट आ गया था आपकी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट डे में एसबीआई में, वो वाला केसलेट भी देख लेंगे। एंड प्लस उसके अलावा आज एरिथमेटिक क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करते हैं, तो शाम वाली क्लास 4 to 4:45 वाली क्लास बिल्कुल मत भूलना। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। अभिषेक बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। चले मज़े करेंगे। क्या मेल का रिप्लाई नहीं किया मैंने? कल किया था मधुरी, आपने कल किया था? कल मिस कर गया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चले गाइस शुरू करते हैं फिर अपना सेशन टाइम एंड वर्क का। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से लगाना, जल्दीबाजी में गलती बिल्कुल मत करना। ओके, टाइम एंड वर्क में दो तीन चीज़ों का बस ध्यान रखो। एफिशिएंसी आ गई तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो क्या अगर बोला जाए एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? एफिशिएंसी होता है हमारा एक दिन का काम, वन डे वर्क। ओके, क्या होता है एफिशिएंसी? वन डे वर्क होता है।
और एफिशिएंसी को जितने दिन काम किया, यानी एफिशिएंसी को अगर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। क्या जाता है? टोटल वर्क आ जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और कि एफिशिएंसी जो है वो नंबर ऑफ डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है। किसके? नंबर ऑफ डेज के। यानी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो उसका रिवर्स कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो मिल जाएगा। ये तीन चार चीज़ें तुमको पता है, टाइम एंड वर्क में तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लो। कल मेल चेक नहीं कर पाया, एक्चुअली क्लास बैक टू बैक थी मेरी तो मेल चेक नहीं कर पाया, बट आज कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ बेटा, आज अभिजीत सर को थोड़ा फीवर आ गया है इसलिए उनकी मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई। होपफुली कल तक वो रिकवर हो जाएंगे, कल क्लास उनकी होगी। गुड मॉर्निंग चारू, आपने फ़ोन कब किया? आ गया भाई। P is 40% more efficient than Q, R is 20% less efficient than Q. If all three of them can complete the work in 7 days, then in how many days P and Q together take complete 75% of the work? अभिषेक कुमार राय क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पैटर्न बैंक लेवल रहेगा बेटा, ESIC का पैटर्न बैंक लेवल। 7 days, 4 days शाल शिवम गुप्ता, 4 days, बाकी लोगों ने तो 7 days। शिवम आंसर एक बार चेक करना चाहोगे? सब लोग 7 days बोल रहे हैं। इशिका का भी आंसर 4 days आया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 बता रहे होगे। ओके माय बैड, ऑप्शन नंबर 4 बता रहे होगे आप लोग। ओके वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, ज़रा ध्यान देना। पी जो है वो कितना परसेंट एफिशिएंट है? ज़्यादा, 40% ज़्यादा एफिशिएंट है क्यू से, मतलब पी 140 होगा और क्यू कितना होगा बेटा? अगर अपॉन क्यू की बात करें तो क्यू 100 होगा, तो ये रेशियो कितना आ गया आपके पास? 7/5 का रेशियो आ गया। ओके अब आगे चलते हैं। आर इज कितना एफिशिएंट है बेटा? आर इज 20% लेस एफिशिएंट देन क्यू, यानी क्यू की वैल्यू अभी भी 100 है और आर कितना है? 80, यानी ये रेशियो 4/5 का हो गया। यानी अगर मैं बोलूं P is to Q is to R, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम देखें तो एफिशिएंसी का इनका रेशियो कितना है बेटा? 7:5:4 का। ओके ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब क्या हुआ, बोल रहे हैं कि कितने दिनों में P और Q एक साथ 75% काम कर देंगे। अगर ये दो सब लोग क्या करते हैं, 7 दिन में काम कर लेते हैं, तो एक बार इनका टोटल कर दो, कितना हो गया भैया? 16। अगर एक दिन में 16 काम कर रहे हैं तो 7 days में कितना काम कर लेंगे बेटा? 128 काम कर लेंगे। बात ठीक है, क्लियर? ठीक है, सॉरी 112 काम कर लेंगे, 128 एट्स होता है, 112 काम कर लेंगे, यानी 112 काम कर लिया इन लोगों ने। 112 काम हो गया तो एक हिसाब से देखो, अगर बोलना है पी और क्यू तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? बोला 12 से डिवाइड करने पे इसका 75% यानी 75/100 डिवाइडेड बाय 12, ये करना है। सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। हमने काट दिया, ये 3/4 हो गया, 3 से इसको काट दिया 4 हो गया, 16 से 7 टाइम्स चला जाएगा, आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। ये क्वेश्चन तो सभी के लिए ईजी था, कुछ टफ नहीं था ना, इजी था सभी के लिए। किसी को आता नहीं है टाइम एंड वर्क तो बेसिक वीडियो देख लो एक बार, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ भी लो। टाइम एंड वर्क बहुत इजी टॉपिक है अगर आप ध्यान से करें तो। वेरी गुड रश्मि, एफ सी आई का रिजल्ट अभी नहीं आया बेटा, पता नहीं है अभी एफ सी आई के रिजल्ट के बारे में, कोई आइडिया नहीं।
अच्छा, वर्क जो असाइन किया है एक ग्रुप ऑफ पीपल को, कोई काम करने में वो 40 डेज में काम कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ 10 लोग आए नहीं, तो रिमेनिंग आदमियों ने काम जो किया वो 50 डेज में किया। हमें बताना है कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए कि ओरिजिनल मैन से, तो क्योंकि काम 20 दिन में ख़त्म हो जाए। सुभाशीष गांगुली, बहुत अच्छा, वेरी गुड सुभाशीष, करेक्ट। गाइस लाइक करते जाइए सेशन को, फिर से बोलूँगा लाइक करते जाइए सभी लोग सेशन को। बहुत ही अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, दिया हुआ है कि जब 10 लोग नहीं रहते, मतलब मैंने मान लिया एक्स लोग थे पहले, वो 40 डेज में काम करते, अगर 10 लोग नहीं आए तो ये काम 50 डेज में हो जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स की मेरी वैल्यू, ज़रा ध्यान दो, एक्स इंटू 40 बराबर करना है किसके, एक्स माइनस 10 इंटू 50, इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बात सही है, क्लियर, तभी तो ये वैल्यू बराबर जाएगी, वैल्यू बराबर जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये 50 है, देखो इधर वाला 50 है, इधर वाला 50 होना चाहिए, ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब यहीं से इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसका मतलब x की वैल्यू 50 आ गई, यानी 50 लोग थे, अब पहले तो 40 डेज में कर रहे थे, अब काम करना है 20 डेज में ही, इसका मतलब डबल मैन लगेंगे, कितने लगेंगे बेटा 100, यानी कितने ज़्यादा मैन लगेंगे, 50 मैन ज़्यादा लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राम अलोन काम कर सकता है 30 डेज में, श्याम अकेला काम कर सकता है 20 डेज में, राम काम करता है 18 डेज और फिर रिमेनिंग काम श्याम करता है, कितने दिनों में श्याम ने काम को कंप्लीट कर लिया जो बचा हुआ जॉब था। एट, तुम लोग यार चैंपियन होते जा रहे हो, वेरी गुड गाइस, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही सही कर रहे हो। क्लर्क में अगर इतनी ही तेज़ी से तुम लोग निकालोगे तो मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग आराम से क्लर्क क्लियर करोगे। यही स्पीड चाहिए मुझे तुम लोगों से, यही स्पीड चाहिए। एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आई एम वेरी प्राउड कि बच्चे क्लास के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। राम जो है बेटा वो 30 दिनों में काम ख़त्म करता है, उसके बाद श्याम जो है वो 20 दिनों में काम ख़त्म करता है, इसके बाद क्या हो गया, ये दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, 60 वर्क हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं हमेशा टोटल वर्क के लिए, एक दिन में राम दो काम करता है और श्याम तीन काम करता है। अब बोला कि राम ने काम किया 18 डेज और बचा हुआ काम श्याम ने काम किया, एक दिन में राम काम कर रहा था दो, तो 18 दिनों में कितना काम कर लिया होगा बेटा, 36 काम कर लिया होगा, तो बच कितना काम गया, 36 60 में से माइनस कर दिया, 24 काम बच गया, वो करना है शाम को। शाम तो एक दिन में तीन काम करता था, तो 24 काम कितने दिनों में कर देगा, 8 डेज में कर देगा, और ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छे से लगाओ। प्रीतम यही पैटर्न होगा बेटा, यस इसका सेम लेवल रहेगा, कुछ हाई लेवल आपको नहीं मिलेगा प्रीलिम्स में, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ मैटर करता है आपकी स्पीड। थैंक यू रश्मि बेटा। अब बेटा आप लोग जब सब पूछ रहे हैं कि भाई 1 मिलियन कब होगा सर, जब आप लोग 1 मिलियन करवा दें
थैंक यू सागर, बहुत ही अच्छा प्रीतम, बहुत अच्छा। 240 यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, 120 भी आ रहा है और 160 भी आ रहा है। मधुरी शर्मा, बेटा बहुत सारे कमेंट एक साथ जा रहे हैं, मिस कर जाऊंगा बीच में, इतने सारे कमेंट एक साथ कैसे पढ़ सकता हूँ। देखो अब देखो, सभी का आंसर गड़बड़ होने लगा, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हुआ थोड़ा आंसर गड़बड़ होने लगा, यही नहीं चाहिए। क्यों गड़बड़ होने लगा इसमें? एक बार आंसर पे श्योर हो जाओ। एक बच्चे का सिर्फ अभी तक करेक्ट आंसर आया, द आंसर इज 160। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ठीक है। एक टैंक दिया हुआ है जो 40 मिनट में भर जाता है, ठीक है, एक टैंक है जो 40 मिनट में भर जाता है। अब क्या हुआ, उसमें दो लीकेज हैं, एक जो बॉटम पे है जो खाली कर देता है पूरे टैंक को 80 मिनट्स में, यानी मान लेते हैं कि ए जो भरता है वो 40 मिनट्स में टैंक को भर जाता है और बी जो खाली करता है वो 80 मिनट्स में खाली कर देता है। अब क्या दिया हुआ है, जो दूसरा है वो टैंक के मिड लेवल पे है और वो कितने टाइम में खाली कर देता है बेटा, दिया हुआ है विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 120 मिनट्स, यानी सी जो है वो 120 मिनट्स में खाली कर देता है। अब जरा ध्यान दो, ऐसे टैंक देखो, ये टैंक है मेरा, इसके मिड लेवल पे एक लीकेज है, एक बॉटम पे लीकेज है, तो बॉटम वाला, ये मिड लेवल वाला सिर्फ आधे टाइम तक ही चलेगा, जब तक पानी आधे लेवल तक पहुंचा वहीं तक काम करेगा, उसके नीचे मिड लेवल वाले का कोई रोल नहीं, सिर्फ नीचे वाला जो है वो पूरे टैंक तक चलेगा। बस इसी चीज़ का ध्यान देना था, जल्दीबाजी में ये गलती हुई सबसे। क्या गलती, ज़रा ध्यान दो, कितने समय में टैंक मेरा भर दिया जाएगा। ज़रा सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। अब जब भी हमें तीन वैल्यू का एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं और पूछते हैं पहले वाले से, तुम आ गए हो क्या, तो वो बोलेगा हाँ मैं पूरा पूरा आ गया हूँ, 40 × 3 = 120 होता है। इससे पूछते हैं तुम आगे हो क्या, तो वो बोलेगा मैं नहीं आया, तो कहेगा दो ले लो मुझसे तब मैं आ जाऊँगा। तो कितना हो गया एलसीएम, 240 हो गया। अब एक मिनट में कितना भर रहा है, 6 लीटर्स भर रहा है। बी जो है वो कितना खाली कर रहा है बेटा, 3 लीटर्स खाली कर रहा है, और सी जो है वो कितना खाली कर रहा है, 2 लीटर्स खाली कर रहा है, ठीक है। हमें पहले 120 लीटर्स तक इन तीनों को चलाना है, इसका मतलब जब 120 लीटर भरना था, जब 120 लीटर्स भरना था, क्योंकि आधा टैंक 120 लीटर्स तक है ना, तो इन तीनों को चलाएंगे तो कितने मिनट में भर जाएगा बेटा, 1 मिनट में। ये लोग, ये देखो, ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का है, मतलब 1 मिनट में 1 लीटर ही भर रहा है, तो 120 लीटर्स 120 मिनट्स में भर जाएगा। लेकिन उसके बाद गेम पूरा चेंज हो गया, ये मिडिल वाला जो सी है ना, अब इसका रोल ख़त्म हो गया, अब ये मिडिल वाला काम नहीं करेगा, अब कौन काम करेगा, ये वाला काम करेगा। अब बचा हुआ कितना, 120, और देखो भर कितना रहा है, 3, तो कितने समय में, 40 मिनट्स में, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 120 + 40 = 160 मिनट। कहानी क्लियर, सभी को समझ में आ गया, ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया। बेटा तबीयत खराब थी, अभिजीत सर को फीवर है। बैंकिंग सेक्टर में बेटा आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं वो खुद एग्जामिनर डिसाइड होता है, उसके बारे में नहीं पता है, बट श्योरिटी से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाइक करते जाइए गाइस सेशन को। पांडे मिश्रा दो लोग हैं और तिवारी, तीन लोग हैं भैया। तो पांडे जी जो करते हैं काम को, वो 4 दिनों में, दिया है कैन डू एज मच एज वर्क, मतलब जितना काम वो 4 दिनों में कर लेते हैं, मिश्रा उतना ही सेम काम 6 दिनों में करता है, ठीक। अब मिश्रा जितना काम 5 दिनों में करता है, तिवारी उतना काम 8 दिनों में करता है। अगर दिया हुआ है इन वॉट कॉस्टिंग डू तिवारी डू द पीस ऑफ वर्क विच पांडे कैन डू इन 70 डेज, अगर तिवारी को 1 दिन का 1 रुपये मिलता है तो। सब लोग बोल रहे हैं एक बार और, अरे क्या एक बार, देखो बेटा
क्वेश्चन, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान दो। देखो बेटा, तीन टैब थे मेरे पास, ए वाला तो भर रहा था 40 मिनट में, बी वाला सबसे नीचे था, ये था बी, ये 80 मिनट्स में खाली कर रहा था, और सी वाला जो था वो बीच में लगा हुआ था, वो क्या कर रहा था बेटा, 120 मिनट्स में खाली कर रहा था। मैंने एलसीएम लिया, 240 आया। अब ए वाला एक मिनट में 6 लीटर भर रहा है, बी वाला एक मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, और सी वाला एक मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है। ठीक, अब देखो ये बी और सी दोनों कब तक काम करेंगे, जब तक मेरा आधा टैंक भरा हुआ है। इसके नीचे सी वाले का इस्तेमाल नहीं है। जब मेरा पानी भाई यहाँ पे आ गया, अब सी वाला कहाँ पर किस पानी को बाहर निकालेगा। इसका मतलब आधे टैंक तक मुझे खाली इन तीनों को एक साथ चलाना था, फिर सी वाले का रोल को हटा देना था। तो 240 लीटर का पूरा टैंक है, 240 लीटर का पूरा टैंक है। ओके, 240 लीटर का पूरा टैंक है। अब मैंने बोला इसका आधा कितना, 120 लीटर का, 120 लीटर का मेरा आधा टैंक हो गया आधा टैंक। अब ये आधे टैंक तक तो ये तीनों चल रहे हैं। अब ये लोग जब काम करते हैं तो देखो 6 - 5 कितना हो गया, 1, यानी एक मिनट में एक ही लीटर भर रहा है। यानी 120 लीटर कितने मिनट में भरेगा बेटा, 120 मिनट्स में भरेगा। अब उसके बाद ये सी वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि पानी अब हाफ तक आ गया। अब कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा। अब बी कितना काम करता है एक मिनट में, तो 6 - 3 = 3, यानी अब 120 लीटर भरना है, और एक मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो कितने समय में भर जाएगा, 40 मिनट में। हमने प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब आते हैं भैया ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी इजी नहीं है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, कि पांडे जी जो है वो काम जो कर रहे हैं, पांडे जी काम करते हैं जितना काम 4 दिनों में कर देते हैं। तो मैंने पांडे की एफिशिएंसी मान ली पी, ये 4 दिनों में जितना काम करता है, ये टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क, ये क्या काम करता है। उसके बाद हम बात करें तो मिश्रा वही काम 6 दिनों में कर लेता है, यानी पांडे और मिश्रा की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 6/4, इसका मतलब 3/2। ओके, अब आ गए दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर, क्या कह रहा है भाई। जब हम बात कर रहे हैं मिश्रा और तिवारी की, तो मिश्रा 5 दिनों में जितना काम करता है, तिवारी 8 दिनों में उतना काम करता है। तो मिश्रा और तिवारी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 8/5। अब यहाँ पे मिश्रा तो 2 है, यहाँ पे 8 है, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पांडे टू मिश्रा टू तिवारी, पांडे एक मिनट में 12 काम करता है, मिश्रा एक मिनट में 8 काम करता है, और तिवारी एक मिनट में 5 काम करता है। ठीक, बात सही। अब मैंने बोला जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा मेरा इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो रही है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। अब बोल रहे हैं कि अगर पांडे को 70 रुपये मिलता है, एक 12 काम करने का 70 रुपये, ठीक है, क्लियर। यानी एक चीज सोचो, एक दिन का उसको बोला कि 70 मिलता है उसको टोटल पीस ऑफ वर्क, यानी 12 × 70 हो जाएगा। ये बात ठीक सभी को समझ में आया। और तिवारी का निकालना है तो डिवाइडेड बाई 5 कर दो, ये कितना हो गया, 14, 12 × 14 = 168, और ये आपका आंसर है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। चलो गाइज, लाइक करते जाते हैं सेशन को। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता देना।
अच्छा मदरी बोल रही हैं कि अटेम्प्टेड 57 इन सीजीएल टीयर 1, एनी चांस? मदरी अटेम्प्ट कम है बेटा आपके, ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी. वेरी गुड आनंद, वेरी गुड, 87 इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट हियर. सर उस टैंक वाले में आधे टैंक 120 के बाद आधे टैंक में 6-3 एक, और हमें आधे टैंक बजाना, तो आधे टैंक में नहीं योगी, गड़बड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो योगी, गलत कर रहे हो. 100 रुपीज़ आया सी डैश, यानी सी अर्न, सी पैसा कमाता है 5 दिनों में कितना, डैश ए और सी टुगेदर कितने पैसे कमाते हैं बेटा, 470 पाँच दिनों में 470, तो एक दिन में कितना निकाल सकते हो. बी और सी एक साथ कमाते हैं कितना बेटा, 760 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना निकाल सकते हो. उसके बाद हम आगे ए बी सी टुगेदर कितना कमाते हैं, 13,1350 कितना, 9 दिनों में. यानी ए बी सी एक दिन में कितना कमाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा सीधे. अच्छा है बेटा, जिसका भी मैं बोलूँगा कि आपका अटेम्प्ट जो 65 के अबव है सीजीएल में, उसका अटेम्प्ट अच्छा है, ओके, सीजीएल में जिसका भी अटेम्प्ट इसके अबव है उसका अटेम्प्ट अच्छा है. क्या ये वाला क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, 100 रुपये आ रहा है जिनका, ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ वरना बाद में बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते. देखो ज़रा ए और सी जो है बेटा, ए और सी क्या कर रहे हैं, 470 रुपये कमाते हैं, 470 कितने दिनों में, 5 दिनों में, इसका मतलब 94 रुपीज़ एक दिन में. अब देखो बी और सी कितने रुपए कमाते हैं, 760 10 दिनों में, एक दिन में कितना, 76. और ए बी सी कितना कमाते हैं बेटा, ए बी सी की बात करें तो 1350 कमाते हैं 9 डेज में, तो एक दिन में कितना, देखो 15 9 135 होता है, तो कितना हो गया, 150 रुपये. अब क्या कहानी क्लियर नहीं है, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो तुम. ए और सी माइनस कर दिया तो बी आ जाएगा, 94 माइनस कर दिया इसमें से तो कितना आ गया बेटा, 56, यानी बी कितना है, 56 का. ठीक, क्लियर सभी को. सी निकालना है बेटा तो हमें निकालना क्या था, सी की अर्निंग निकालनी थी. बी की अर्निंग मेरे पास में आ गई, बी की अर्निंग ये हो गई 56, तो सी की अर्निंग कितनी हो गई, 20 हो गई. ठीक, अब एक दिन में सी 20 कमाता है तो 5 दिनों में कितना, 100 रुपीज़ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर. बेटा जीएजीएस ऐसा आया ही था जो टिपिकल था, मतलब कुछ भी क्वेश्चन इस बार एसएससी ने पूछ लिया है, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि एसएससी कुछ भी पूछ रहा है. ठीक, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. आप बस तीन सब्जेक्ट है आपके पास में, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स एंड इंग्लिश. इन तीनों में आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा, मतलब अगर इन तीनों में भी आप 65 ले आते हैं ना तो भी अच्छा है आपके लिए, मतलब 65 अटेम्प्ट कराते हैं तो जीए आप पूरा पूरा भी डिस्कार्ड कर दीजिए, तो सिर्फ इन तीनों के ऊपर फोकस करिए. लाइक करते जाइए सेशन को गाइस, लाइक करते जाइए, सभी से बोलूंगा. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग करेक्ट करते हैं. 8, शालू का भी 8 आया. अरे 8 8 आंसर निकाल रहे हो, सेम एज जॉश लिखा हुआ है, जॉश के 8 ही 8 ही दिन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं टिक कर रहे हो, नन ऑफ दी अबव तुम लोग टिक करके आ जाओगे, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ो, इसीलिए मैंने उसमें दिया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन इसीलिए चेंज किया, सेम एज जॉश किसी ने नहीं देखा ना तो वो नन ऑफ दी टिक करेगा. दिया हुआ है कि जॉश काम को करता है 8 दिनों में और सेम काम हरी करता है 12 दिनों में. ठीक है, तो जॉश जो काम करता है 8 दिनों में, हरी काम करता है 12 दिनों में. हमने भाई एलसीएम ले लिया तो 24 आ गया एलसीएम, यानी काम टोटल 24 है, यानी जॉश एक दिन में 3 काम और हरी एक दिन में 2 काम. अब आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि ये दोनों काम करते हैं मोना के साथ में और असाइनमेंट 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं. जॉश, हरी और मोना 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम, 8, यानी 5 काम तो यही कर रहे हैं, तो मोना कितना काम कर रही होगी, 3 काम कर रही होगी. क्लियर,
ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाई मोना अलोन टू कम्प्लीट द असाइनमेंट, यानी भाई मोना एक दिन में 3 काम कर रही है तो 24 काम कितने दिनों में करेगी, 8 डेज में करेगी। अब ये आंसर सेम एज जॉश है, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं है, ओके ठीक, क्लियर हो गया गाइस। अब टाइम एंड वर्क के, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ओके, अब टाइम एंड वर्क में आपको बताओ इससे ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हमारे पास में नहीं आएंगी, ओके इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे टिपिकल चीज़ें नहीं आएंगी। एंड शाम की क्लास अटेंड ज़रूर कर लेना, शाम की क्लास है हमारी, इवनिंग वाली जो क्लास है वो हमारी है आज, बहुत सारे एरिथमेटिक भी कराऊंगा और एक अच्छा आपको केसलेट करवा दूंगा, ठीक है, तो 4 to 4:45 की क्लास बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आपसे, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1 मिलियन से बहुत कम दूर है हम लोग, तो आप ही लोगों को 1 मिलियन पहुँचाना है, ओके चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। हाय ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इट्स डे 8, ये डे 8 है और आज आपको पढ़ना है रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, मैं आपको उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके साथ शेयर किया गया था 10 डे का। आज आप जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद कल आपका एक मॉक टेस्ट होगा, कल आपका मॉक टेस्ट होगा या डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और देन उसके बाद मॉक टेस्ट होगा, यानी कि कल अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो यू कैन आस्क मी,
इवन दैट अगर आपके कुछ जनरल डाउट भी होते हैं कि सर हाउ टू अटैम्प्ट पेपर, क्योंकि 19th हो चुका है और 22 को पेपर है हमारा पहला, सो उसके लिए भी अगर आपके कोई भी जनरल डाउट भी होते तो भी आप मुझसे कल पूछ सकते हैं. पर आज अपन पढ़ने का वक्त है तो आज अपन केवल पढ़ेंगे, आज अपन केवल सीखेंगे कि और इन दो चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करें. ठीक है, दैट्स ग्रेट. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट कि सर एक PDF शेयर कर दीजिए पजल और सिटिंग के लिए, मुझे फटाफट से आप लोग रिप्लाई करो, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक अ PDF और मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस PDF को अटैच करवा दूंगा, सो दैट आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं जो बहुत एक्सपेक्टेड होंगे आपके SBI क्लरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के. ठीक है, अगर ऐसा है तो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट अ PDF यू नो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर बेस्ड होगी. टेल मी पूजा, ओनली अ फ्यू ऑलरेडी बेटा पढ़ा चुका हूँ. ओनली अ फ्यू मीन्स सम होता है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है चीज़ें, और ये मैं अभी आपको कुछ समय पहले वीडियो में भी पढ़ाया हुआ हूँ. सो आई थिंक सो एक बार सर्च करो ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट बाय सचिन मोदी सर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी. बेटा नाम गड़िंग आंसर, देखो भाई सर कह रहे हैं बॉक्स बेस पजल पे चाहिए PDF चाहिए. मैनी ऑफ यू आर सेइंग यस 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 वी वॉन्ट ओके. सो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो PDF होगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो SBI क्लरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो ध्यान रखना कि ये 25 क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी को सभी क्वेश्चंस को लगाने हैं. ये PDF आपको इस सेशन के बाद हो सकता है कि 2 घंटे के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस आना पड़े, इस वीडियो को दोबारा खोलना पड़े और क्लिक करना पड़े, वहाँ लिखा होगा डाउनलोड द PDF और यू कैन डाउनलोड ऑल्सो. ठीक है, क्लियर है ना. चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. कंप्लीट जी पहला क्वेश्चन दिखाया जाए. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना पहला क्वेश्चन है फ्रॉम डायरेक्शन. तो ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, आप जरा इन्हें सॉल्व करिए और मुझे आंसर दीजिए. हाँ सपना आपको यहीं दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना पड़ेगा लेकिन, और 2 घंटे के बाद मिलेगा. PDF इन बायलिंगुअल, ओके प्रथम PDF बायलिंगुअल दूंगा, ओके परेशान मत हो, लेकिन अच्छा स्कोर करना, अपना नाम टेक्स्ट बुक का नाम और मेरा नाम खराब मत होने देना. ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो. अक्षय परसों मॉक होने वाला है, चिंता मत करो, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही कर चुका हूं. थैंक यू पूजा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब बातें नहीं. ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन ऑफ हिज होम फ्रॉम पॉइंट वाई, and park is in which direction with respect to point x. ऑप्शन में मतलब साउथ है, आंसर ध्यान नहीं है, साउथ नहीं है ये, ऑप्शन के अंदर साउथ होगा, साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, तो एक ऑप्शन आ गया, बाकी 4 ऑप्शन नहीं आए हैं तो उसको रहने देंगे अपन. यस मोहम्मद आ सकता है, बट ये 4 या 5 लाइन का होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा. पार्क ईस्ट में है, ठीक है अक्षय, मैं एक मॉक दूंगा आपको, वो लगाना और फिर बताना कि क्या लेवल रहता है ना. ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ममता सेज कि नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, आई श्योर, और डिस्टेंस तो बताओ कि उसके घर से वो पॉइंट वाई की डिस्टेंस कितनी है. रैंकिंग इसके बाद आएगा रश्मि. पार्क इज 15 मीटर, 25 मीटर, चलिए आंसर तो आप लोगों ने दिया नहीं है सही, मुझे काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि चलो आप लोग मुझे सही आंसर दे दोगे, पर आंसर नहीं आया. सुनो ध्यान से, अजय स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट वाई, अजय अपनी जर्नी पॉइंट वाई से स्टार्ट करता है और ये कहां पे जा रहा है, 10 मीटर जाता है और किसी पॉइंट एक्स पे आके पहुंचता है. जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी जाए, यू कैन टेक इट बाय डिफॉल्ट नॉर्थ, आप इसको क्या ले सकते हो, नॉर्थ ले सकते हो. सो देखो द पॉइंट इज कि आपने यहां से वाई है ना, आप यहां से गए और एक्स पॉइंट पे पहुंच गए, एंड जो डिस्टेंस आपने कवर की वो कितनी है, 10 मीटर की है. सो 10 मीटर डिस्टेंस आपने कवर कर ली,
अब आगे देखो, एक्स से ये राइट टर्न करेगा और 15 मीटर जाएगा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एंड रीच, अब देखो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी बोल दिया, सो थोड़ा सा अपने लिए और भी थोड़ा आसान हो गया कि हाँ चलो राइट टर्न पे ईस्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ वाले बंदे का राइट टर्न ईस्ट होता है, ये तो आपको क्लियर ही है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सो ये अपना और कन्फर्म हो गया कि बाई डिफॉल्ट जो अपन नॉर्थ लेते हैं वो यहाँ पर कन्फर्म भी हो गया। अगर यहाँ पर लेफ्ट टर्न होता तो चलो हमें पता लग जाता कि भैया ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और देन ये लेफ्ट टर्न लेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्थ पे पहुँच जाएगा। सो ये कह रहा है कि राइट टर्न लेगा, 15 मीटर जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में टू रीच अ सर्कल, और एक सर्कल पे पहुँचेगा। सो यहाँ से राइट टर्न लिया, 15 मीटर चला और किसी एक सर्कल पे आके ये पहुँच गया, दिस इज द सर्कल जहाँ पे आके ये रुक गया। अब आगे देखो, एंड द सर्कल इज इन नॉर्थ ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, और ये जो है वाई के नॉर्थ ईस्ट में है, तो है कि नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, यानी कि आपको जो मैं कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट लेना है वो बाय डिफॉल्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर रहता है हमेशा। अब देखो, व्हेन ही रीच टू द सर्कल द पार्क इज लोकेटेड इन हिज राइट, अब देखो जब ये सर्कल पे पहुंचता है सो पार्क इसके राइट में होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी फेसिंग टूवर्ड ईस्ट है तो ये तो फेसिंग सेम होगी, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि फेसिंग टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन पर्सन का लेफ्ट नॉर्थ की तरफ होता है। इसका मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन होगा दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या है पार्क है, यहाँ पे क्या है पार्क है। सो ये कह रहा है कि जब ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है तो इसके राइट हैंड साइड पे पार्क आता है, तो राइट हैंड साइड पे पार्क आ गया। आगे देखो, इज लोकेटेड इन इज राइट एंड फुटबॉल क्लब इज लोकेटेड इन इज लेफ्ट, और यहाँ पे फुटबॉल क्लब है, तो यहाँ पे हमने लिखा फुटबॉल क्लब। अब एक बार ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट बता रहा है, ये डिस्टेंस नहीं बता रहा है, तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें। आगे कह रहा है एंड होम इज इन स्ट्रेट, और सीधा तो उसका घर आता है, ये यहां पे आ गया सीधा होम, होम इज इन द स्ट्रेट। क्वेश्चन कह रहा है ईच प्लेस इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द सर्कल, यहां से 10 मीटर पे फुटबॉल क्लब है, 10 मीटर पे इसका घर है, और 10 मीटर पे ही यानी कि ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि पार्क ये है 10 मीटर का डिस्टेंस है, सो इस पर्टिकुलर प्लेस पर कौन आ जाएगा, पार्क आ जाएगा। सो हर एक प्लेस उसके 10 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है, तो पॉइंट को समझना कैसे कह रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ हिज होम फ्रॉम पॉइंट वाई, होम की पॉइंट वाई से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है ये निकालनी है। नाउ यू कैन सी ये 15 है, और 15 और 10 हो गया 25, ये हो गया 10, सो इसका मतलब है कि 25 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपको क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, एंड ये आ गया 10 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, ये हो गया 225 और ये हो गया 100, तो आपके पास ओवरऑल कितना आ गया, ओवरऑल आपके पास 325 रूट आ गया, क्या आ रहा है 325 रूट आ रहा है, और 325 रूट अपना आंसर होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा 325। अब इसको अगर आप रूट पे लिखोगे सो रूट आएगा 5√29, और क्या आएगा 5√29 आएगा। सो ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पे अरुण ने सेज कि सर 5√29, दिस वन इज आल्सो द करेक्ट आंसर, एंड ये भी करेक्ट आंसर है, और रूट 325 इज आल्सो द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सॉरी 25 का स्क्वायर 625, 725 आएगा, 725 आएगा, डन। हाँ हाँ हाँ, मैंने गलती से लिख दिया, मैंने 15 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 15 देखा था ना, तो 15 का स्क्वायर लिख दिया, तो 625 प्लस 10 है 725 होगा, जो 5√29 हो जाएगा, डन। क्लियर है, सो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखो। अब सेकंड क्वेश्चन है, पार्क इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक्स से पार्क किस डायरेक्शन में होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ द पार्क इज फ्रॉम द पॉइंट एक्स इज साउथ ईस्ट, सो द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज साउथ ईस्ट, क्या होगा साउथ ईस्ट होगा, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा अपना साउथ ईस्ट, जो कि बहुत सारे बच्चों का गलत था। क्लियर है, बहुत सारे बच्चों का गलत है, आंसर होगा साउथ ईस्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो जो लोग बोल रहे थे ना नॉर्थ होगा, या जो बोल रहे थे ईस्ट होगा, वो गलत है, एक्स से पूछ रहा था, तो एक्स से हमेशा साउथ ईस्ट की कैटेगरी में जाएगा। डन, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब रैंकिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप एंड 23rd फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, इसको ओरली करना है, कोई भी पेन पेपर यूज नहीं करेगा, जस्ट सॉल्व ओरली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू इट फास्ट, सॉल्व करिए ओरली विदाउट पेन एंड पेपर। प्रीतम जो तुक्का मारता है उन्हें तुक्का मारने दो बेटा, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अपन को आंसर निकालना है और देन सॉल्व करना है। चलिए
36, 37, 37, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 37, पर किसी का 36 भी आ रहा है। देखो सिंपल, रोहित की रैंक अगर 15 टॉप से है, बॉटम से 23rd है, टोटल निकालने के लिए हमेशा किसी एक पर्सन की रैंकिंग दोनों एंड से पता होनी चाहिए। यानी अगर इधर से मुझे 15 पता है और उधर से मुझे 23rd पता है, तो ये एक बंदा है जिसको मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ, इधर से भी काउंट कर रहा हूँ उधर से भी काउंट कर रहा हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आप माइनस कर सकते हैं 1, एक ही बंदे को दो बार ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए माइनस 1 करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 38 हो गया, माइनस 1 करेंगे अपने पास आंसर क्या आएगा, 37 आएगा। इज दैट क्लियर? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। दीपक की रैंक बताई गई है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि कितने बॉयज हैं इस क्लास में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन ओनली। शुभांगी शौर बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। किसी का आंसर नहीं आया, इज इट टफ? फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी फोर, गेटिंग टू आंसर। ओके, 53 पे बहुत सारे बच्चे ने लॉक कर दिया आंसर को। 53, गेटिंग आंसर 53 कॉन्टिन्यूसली। 54 भी है भाई, 52 भी आ गया। ऋचा यादव से इसकी 52 भी हो सकता है, इसका मतलब है आई एम गेटिंग 3 डिफरेंट आंसर, 52, 53, 54, और मैंने ऑप्शन भी बहुत क्लोजली डाले हुए हैं। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि दीपक की रैंक अगर बॉटम से देखिए तो 31 है और टॉप से देखिए तो 13 है। सो नाउ लुक एट दे है, यहाँ पे देखो ये 31 है और इधर से ये 13 है, ठीक है। पर ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द अमंग दोज पास द एग्जाम, इसका मतलब है पास बच्चों में है, तो जो पास हुए हैं उसके अंदर रैंक आ रही है इसकी, उसके अंदर रैंक आ रही है। सो इनको ऐड करके माइनस 1 कर लो, क्योंकि दीपक को दो बार काउंट करोगे, तो 31 प्लस 13 माइनस 1, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44 माइनस 1, इसका मतलब है ये पता लग गया कि 43 बच्चे हैं जो पास हुए हैं, 43 बच्चे हैं जो कि पास हुए हैं, पहली बात। अब दीपक यहां से 31 है, यहां से 13 है, 31 यहां से 13 है, यहां से 31 है, टोटल 43 बच्चे से जो पास हुए हैं। आगे देखो 6 बॉयज ऐसे जो पास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर क्लास में तो है, पार्टिसिपेट नहीं किया ना, तो 43 प्लस 6 यहां पे आप करोगे, सो 43 प्लस 6 कितना होता है, 49 होता है। और ये कह रहा है कि 4 ऐसे जो फेल और हो गए, तो पास बच्चों में तो दीपक की रैंक पता है लेकिन फेल हो गए वो भी तो क्लास के ही पार्ट थे, सो 49 प्लस 4 आप यहां पे करेंगे तो 53 पता लग गया, सो टोटल कितने होंगे, 53 होंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो दिस वन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की गलत हो जाता है। सो आई थिंक सो उन्हें पता लग गया कि कैसे सही करना है, पहले पास निकालो क्योंकि दीपक से पास पता लग जाएंगे, फिर वो निकालो जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन क्लास का पार्ट है, और फिर वो निकालो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो फेल हो गए। सो 10 लोग तो ऐसे हो गए और 43 वो हैं, तो 43 प्लस 10 53 अपना आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है? यहाँ पे डन हो गया ना सभी का, That's great. किसी को रिपीट करना हो तो बताओ मुझे, इज देयर एनी नीड टू रिपीट? करण बहुत जल्दी शुरू होगा बेटा, बहुत जल्दी शुरू होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाई, मुझे बता दो ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। डन, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम द लेफ्ट, अमन की लेफ्ट से पोजीशन बताओ।
सॉल्व करिए। टेन ट्वेल्व इलेवन, ग्रेट, टेन ट्वेल्व इलेवन, तीन डिफरेंट आंसर आ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ यू आर सेज कि टेन आएगा, तो तीन डिफरेंट आंसर आ गए हैं। वैसे टेन होगा सर, ओके, नाइन्थ भी आ गया भाई ऑप्शन में, ग्रेट। सो नाइन्थ भी ऑप्शन में आ रहा है, तो देख ये तो पता लग रहा होगा ना इस बात से कि कितने बच्चे सही करेंगे, कितने बच्चे गलत करेंगे, कितनों के गलत होने की वजह से वो पीछे हो जाएंगे कई सारे बच्चों से। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो जरा, ये कह रहा है कि अमन जो है इन अ रो ऑफ बॉयज, एक रो है, अमन इज टेंथ फ्रॉम द राइट एंड, अमन इधर से टेंथ नंबर पे आता है, अमन इधर से क्या है टेंथ फ्रॉम द राइट एंड बोला है तो टेंथ आ गया, एंड बबलू इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और बबलू एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड से, इफ इन दिस रो बबलू इज ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड, अगर मान लो इधर से काउंट करा जाए और बबलू जो है ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड है, और क्या बोल रहा है एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, इधर से एट्थ है, सो बबलू की रैंकिंग मुझे दोनों एंड से पता लगी कि नहीं लगी, और 12 और 8 20 माइनस 1 19, यानी कि टोटल कितने पता लगे, टोटल पता लगे मेरे को 19 पता लग चुके हैं, है ना, 19 पता लग गए। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम द लेफ्ट, अब एक बार बताओ अगर ये इधर से 10th नंबर पे आता है तो ऑब्वियसली बात है ये लेफ्ट एंड से भी कितने नंबर पे आएगा, 10th नंबर पे आएगा, क्योंकि जब ये लेफ्ट हैंड से 10th नंबर पे आएगा और राइट हैंड से ऑलरेडी 10th नंबर पे है, तो 10 और 10 होते हैं 20, माइनस 1 करेंगे 19 आ जाएगा और आपका इक्वल बराबर हो जाएगा। सो इट्स जस्ट अ ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, ये केवल ट्रिकी क्वेश्चन था, आराम से आंसर किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी यहां पर बिगड़ जाती। पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आ गया कि हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, तो टोटल तो 19 होगा, अगर ये इधर से 10th है तो रिमेनिंग पोजीशन 10th ही आएगी, क्योंकि तभी 10 और 10 20 माइनस 1 टोटल पे अपन आ जाएंगे। डन, इट्स ओके गाइस, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां हो जाती है, समटाइम्स लिखने में गलती हो जाती है, समटाइम्स पढ़ने में गलती हो जाती है, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट रोबोट, है ना, तो इस चीज का याद रखना, बट कोशिश करना कि एग्जाम में अपन इस गलती को अवॉइड करें, जनरल वे में अगर अपन गलती कर रहे हैं ठीक है उससे अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एग्जाम में थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना, बहुत क्लियर पढ़ना और बहुत क्लियर आंसर देके आना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समटाइम्स गलत पढ़ लिया जाता है, समटाइम्स गलत लिख दिया जाता है, और ये किसी से भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और आंसर दो, इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस, और देखो एसएससी सीएचएसएल का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, एसएससी 10+2 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन देम इन द रो, इस रो में कितने लोग बैठे हैं उनके बीच में, कुछ कह रहे हैं नॉट गेटिंग आंसर, वन थ्री फाइव फोर टू, ओके चले। सो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की। हरमानी इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट, देखो टोटल आपको कितने दिए गए, टोटल आपको दिए गए 37, ओके, और हरमानी की जहां पे रैंक है लेफ्ट हैंड से 19th, यानी कि यहां पे हरमानी है जो कि लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे आते हैं, 19th नंबर पे आती है। फिर कह रहा है कि हैरी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड इन द सेम रो, इसी सेम रो में हैरी जो है राइट हैंड से 16th है, दिस इज द फाइनल थिंग कि अगर हैरी यहां पे 16 नंबर पे आ रहा है इसको ओवरलैप तो नहीं कर सकता है, क्लियर है, क्योंकि ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब इसकी, क्योंकि नंबर ये ज्यादा है, जब ये और ये ऐड करोगे सो आपके पास ये नंबर एक तरह से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है, इसका मतलब ही यहीं पे रहेगा, इसके बीच में लोग बैठे हुए होंगे।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन द रो, सो दिस इज कॉल्ड विदाउट ओवरलैपिंग केस ये है। तो 16 दुना 32 और 3 35 यानी कि 37 माइनस 35 आप कर लेंगे और आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा देयर इज ओनली टू पर्सन सिटिंग बिटवीन दैम, क्योंकि ये 30 यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आएगी, ये आपका टोटल है। ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना हमेशा, अगर कभी आपको बिटवीन निकालना हो और अगर आपके टोटल की वैल्यू ज्यादा होती है आपके दोनों एंड की वैल्यू से, तो डायरेक्टली माइनस करना, जो भी आएगा वही आंसर होगा। समटाइम्स स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें माइनस टू करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना वेन एवर टोटल इज हायर देन बोथ ऑफ द एंड तो समझना डायरेक्टली माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर आपका क्विज होने वाला है, याद रखिएगा। हाँ जी, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। ओके, गिव मी आंसर। अगर क्राफ्टर अगर ओवरलैप करता है ना, तो आपका हमेशा टोटल कम होगा और दोनों एंड की पोजीशन ज़्यादा होगी, तो जब भी दोनों एंड की पोजीशन ज़्यादा होती है आपके टोटल से, तो पहले तो माइनस करोगे और फिर और दो माइनस कर देना आप, क्योंकि वो क्या होता है टोटल में आपके वो दोनों बंदे ऐड होते हैं, सो जब वो माइनस होंगे तभी उनके बीच के लोग मिलेंगे, अदरवाइज अगर माइनस टू नहीं करोगे ना तो इंक्लूडिंग आ जाएगा आंसर, और इंक्लूडिंग नहीं करना है हमें, बिटवीन निकालना है। ठीक है, getting answer 39 or 41, so I'm getting two answer, 39 and 41, मेरे पास दो different answer मिल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं इस question की सही answer की, क्या कह रहा है कि Sumit is 18 from the left hand in a row, Sumit 18th है left hand से, तो यहाँ पे 18th है और यहाँ पे कौन आ गया, Sumit आ चुका है, तो Sumit is 18 from the left hand of the row and Adarsh is 10th from the right hand, Adarsh 10th है right hand से, so we can say अभी Adarsh को यहाँ पे ले सकते हैं, अभी हमें पता तो है नहीं कि overlap होगा या नहीं होगा। Adarsh is 10th from the right hand of the row. If they interchange their position and Adarsh rank become 22nd from the right. अब interchange करेंगे तो इसका मतलब Sumit यहाँ पे आ जाएगा, Adarsh यहाँ पे आ जाएगा. It means what we can say after interchange, position of Adarsh from the left hand side is 18. क्योंकि A यहाँ पे आ जाएगा, it means इसकी position 18 हो जाएगी. अब ये given है कि interchange के बाद Adarsh जो है right hand side से 22nd हो जाएगा. It means यहाँ से ये आ जाएगा 22nd. So left hand से I can say कि भैया मेरे को 18 already मिल चुका है और यहाँ पे right hand से 22nd में पास आ रहा है। And what actually question is asking कि find out total number of student in this row and I know that position of Adarsh from the left hand side as well as from the right hand side. So what can I say कि 22nd plus 8 minus 1 because Adarsh को I am counting two times in this particular row. So 22nd plus 18 is equal to 40 minus 1 is equal to 39. So the correct answer of this question is 39. Is that clear? तो those who are saying कि 41 answer आएगा, भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि this is out of mind कि 41 कैसे आ गया, but the correct answer is 39. Is that clear? Okay, now tell me, are you ready for the quiz? Tell me everyone, कल अपना एक doubt session होगा जिसमें केवल हम doubt लेंगे और आपकी कुछ भी general query होगी before the exam, उसको मैं cover up करूँगा। नेक्स्ट डे आपका SBI क्लेरिकल का एक मॉक टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही रहना, क्योंकि ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लेवल पे है और उसे उसी तरीके से बनाया गया जिस तरीके से पेपर आएगा, एंड आई विश कि ये ऐसा ही कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। और अब हम यहाँ पर काव्या आंटी मैम को बुलाएंगे ताकि वो लोग आपकी आपको क्विज दे जैसा आपको रोज़ देती हैं, ताकि आप लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो सके और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो। बस कहना यही चाहूँगा गाइज, थोड़ी और मेहनत करो, और दो दिन बाकी हैं, और थोड़ा दिन रात मेहनत कर लो, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम्स है उसको कंप्लीट कर लो, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि बस दो दिन और मेहनत करनी है, इसके बाद तो जजमेंट डे आने ही वाला है। हम जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा हम पेपर दे के आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्विज सेशन में।
हेलो एंड वेलकम। तो स्वागत है आपका SBI क्लर्क के डे 8 पे। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है, हमारे सारे फैकल्टी से उत्कर्ष सर, सचिन सर और प्रतिभा मैम ने अपने अपने टॉपिक्स आज आपको पढ़ा दिए हैं और उसी पे बेस्ड क्विज लेकर हम आए हैं। 10 सवाल आपसे पूछेंगे। हर सवाल का जो सबसे पहले उसका आंसर देगा वो बनेगा उस सवाल का लकी विनर। आपको 60 सेकेंड का टाइमर मिलेगा, उसी के बीच में आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखें कि आपको उतना टाइम तो लेना ही है जितने में वो क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके आंसर्स मॉडरेट करेंगे, उन्हें पता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा ये भी बता दूँ कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आप जानते ही हैं, कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही बार देना है। अगर आप मल्टीपल टाइम आंसर करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। दूसरा, आपको ऑप्शन के नंबर यानी 1, 2, 3, 4 से ही आंसर करना है। तो अपर्णा बताएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्विज किस पे बेसिस पे होगी। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं आज है डे 8 ऑफ SBI क्लर्क स्टडी प्लान। तो आज आपने क्वांट में टाइम एंड वर्क इन पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ा है, उसके साथ ही साथ रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा, और इंग्लिश में आपने पैराजम्बल पढ़ा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज जो कि कवर हुए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित होंगे हमारे 10 सवाल जो कि हम आपसे पूछने वाले हैं। जी बिल्कुल अपर्णा, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्विज का यही फॉर्मेट होता है कि हम शुरू करते हैं क्वांट के सेक्शन से, जो उत्कर्ष सर अभी अभी आपको पढ़ा के गए हैं, जो कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस होंगे। 4 सवाल उससे होंगे। पहला क्वेश्चन होगा अब आपके स्क्रीन पर 60 सेकेंड्स के लिए। सो द टाइम इज अप, और फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, और अपर्णा उसी के साथ हमारे पास हमारे पहले विनर का नाम भी आ चुका है, और आज के हमारे जो पहले लकी विनर हैं उनका नाम है मोहम्मद औसफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद औसफ। आपको क्या करना है, आपको लाइव चैट में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करनी है। यही वो ईमेल आईडी होती है जिससे हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर सकती है और आप तक आपका विनिंग प्राइज पहुंचाती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान से जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी होगा अब आपके स्क्रीन पर। ओके, द टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन जिस बच्चे ने सबसे पहले टाइम फ्रेम में जवाब दिया है उसका नाम भी आ चुका है, अपर्णा आपको बताएंगी। पहले उसका करेक्ट आंसर दे देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3।
जी हाँ, और हमारे पास लकी विनर का भी नाम आ चुका है. सो द नेम ऑफ द लकी विनर इज रिचा यादव. सो कंग्रेट्स रिचा, आपको करना क्या है, अपना ईमेल आईडी जो है वो लाइव चैट में डालना है सो दैट आर टीम कैन रीच टू यू. एग्जैक्टली. तो चलिए उसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर. क्वांट का थर्ड क्वेश्चन होगा अब आपके स्क्रीन पर. सो द टाइम इज अप और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1. जी हाँ अपर्णा, और उसी के साथ हमारे पास विनर का नाम भी आ चुका है. काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, अभी तक जवाब आ ही रहे हैं, लेकिन जिसने सबसे पहले जवाब दिया था सही टाइम लिमिट में वो थे प्रीतपल सिंह. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीतपल, आप भी प्लीज़ लाइव चैट में ही अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दें. चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो क्वांट का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा विद इन द टाइम लिमिट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये क्वांट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था और इसका भी टाइम अप हो चुका है और सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1. जी हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ हमारे पास विनर का नाम भी आ चुका है. फोर्थ क्वेश्चन के जो विनर है उनका नाम है आभास कुमार. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आभास, आपको भी लाइव चैट में अपनी मेल आईडी डालनी है. तो इसी के साथ कौन का सेक्शन खत्म होता है, अब रीजनिंग के सेक्शन की ओर बढ़ेंगे. रीजनिंग का सेक्शन ऑर्डर और रैंकिंग पे अभी अभी सचिन सर पढ़ा के गए हैं, तो एक क्विकली रिविजन भी हो जाएगा आपका और आप विनर भी बन सकते हैं. तो ध्यान से जवाब देना है आपको पहला क्वेश्चन रीजनिंग से और आज का फिफ्थ क्वेश्चन होगा अब आपके स्क्रीन पर. ओके, द टाइम इज अप और क्वेश्चन नंबर 5 का भी टाइम खत्म होता है. अभी तक लोग जवाब दे ही रहे, लेकिन सबसे पहले जिसने जवाब दिया उसका नाम हमारे पास आ चुका है. आइए सबसे पहले हम जवाब दे देते हैं इसका. जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4.
जी हाँ, और हमारे पास लकी विनर का भी नाम आ चुका है एंड द नेम ऑफ द लकी विनर इज अनिंद्या साह। तो प्लीज अनिंद्या, आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो लाइव चैट में डालना है सो दैट यू गेट द सरप्राइज प्राइज। Exactly. So let's move on to the next question. Question number 6 from the reasoning section will be now on your screen. ओके, द टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, कीप ऑन आंसरिंग, और उसी के साथ उसका सही जवाब हम भी दे देते हैं। तो 6th क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया है बट एक ही लकी विनर बनेंगे। तो जो लकी विनर है उनका नाम आ चुका है एंड द लकी विनर इज रमन महल। सो कंग्रेचुलेशंस रमन, प्लीज जल्दी से अपना ईमेल आईडी लाइव चैट में डाल दीजिए। चलिए, रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, तो आपके पास और भी मौका है विनर बनने का। तो अगला क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 अब होगा आपके स्क्रीन पर। ओके, द टाइम इज अप फॉर क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सही जवाब दे देते हैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, और इसी के साथ हमारे पास लकी विनर का भी नाम आ चुका है एंड द नेम ऑफ द लकी विनर इज अरविंद वी। सो कंग्रेचुलेशंस अरविंद, और जल्दी से अपना ईमेल आईडी लाइव चैट में डाल दें। और एक रिक्वेस्ट है सारे ही विनर्स से कि प्लीज़ अपना ईमेल आईडी जल्दी से जल्दी लाइव चैट में डाल दें सो दैट आवर टीम कैन रीच टू यू। एग्जैक्टली, बिकॉज ये मेल आईडी ही वो सोर्स होता है जिसके थ्रू हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाते हैं और आपको आपका जो विनिंग प्राइज है वो पहुँचा पाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से जवाब दीजिएगा, होगा अब आपके स्क्रीन पर।
सो रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन का भी टाइम अप हो चुका है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 5. जी हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ अपना हमारे पास विनर का नाम भी आ चुका है. जो आज के विनर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है वो है रीना शर्मा. सो कंग्रेचुलेशंस रीना, आपको भी लाइव चैट में अपनी मेल आईडी डालनी है. और बाकी विनर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लाइव चैट में अपनी मेल आईडी नहीं डाली है तो प्लीज़ डाल दें. चलिए रीजनिंग का सेक्शन भी ख़त्म होता है यहाँ, और आखिर के दो सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होगा इंग्लिश से, जो कि प्रतिभा मैम आपको पढ़ा के गई हैं अभी पैरा जंबल. तो ये एक क्विक रिविजन भी होगा, 60 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा आपको. तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, होगा अब आपके स्क्रीन पर. सो द टाइम इज अप, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1. जी हाँ, और बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम ले रहे थे इसके लिए आंसर करने के लिए, और जिसने सबसे पहले करेक्टली जवाब दिया है वो है सागर यशवंत. सो कॉन्ग्रेचुलेशन सागर, आपको भी लाइव चैट में अपनी मेल आईडी ड्रॉप करनी है. चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इंग्लिश से ही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा अब आपके स्क्रीन पर. सो द टाइम इज अप, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3. जी हाँ, और उसी के साथ हमारे आज के 10th विनर का नाम भी आ चुका है हमारे पास, जो आज के आखिरी विनर है, और वो है वैभव जायसवाल. सो कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव, आप भी प्लीज़ लाइव चैट में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए. सो कुल मिलाकर हमारे पास हो गए हैं आज के 10 विनर्स. आपको आज ही हमारी टीम आपके मेल आईडी पे कांटेक्ट करेगी और आपको मिलेगा एक यूनिक कूपन कोड. उस कूपन कोड की मदद से आप हमारे कोर्स पास को परचेज कर सकते हैं एक बहुत ही हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे. ये कोर्स पास वो पास है जिसमें सारे लाइव कोर्सेज टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे जितने भी हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे. आपको सिर्फ एक कोर्स पास लेना है और आप सारे ही लाइव कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और इस यूनिक कूपन कोड की मदद से आप वो ले सकते हैं बहुत ही हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे. आज की आज ही हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी. सो प्लीज़ जिन्होंने भी अपना मेल आई डी नहीं डाला यहाँ पर डाल दीजिए. चलिए हमारे पास आज के 10 के 10 विनर्स आ गए हैं, एक बार फिर से हम उनका नाम ले लेते हैं ताकि अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे मेल आईडी डाल पाए. तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो विनर थे वो थे मोहम्मद औसफ, 2 की विनर थी ऋचा यादव, क्वेश्चन नंबर 3 के विनर थे प्रितपाल सिंह, 4 के आभास कुमार, 5th के विनर थे अनिंद्या साहा. जी हाँ, इसी तरह 6th क्वेश्चन के विनर थे रमन महल,
सेवेंथ के अरविंद वी, एट्थ के रीना शर्मा, नाइन्थ के सागर यशवंत एंड टेंथ क्वेश्चन के विनर थे वैभव जायसवाल. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लकी 10 विनर्स. अब हम एक बार देख लेते हैं कि कल का जो दिन है दैट इज़ डे 9, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो रीजनिंग सेक्शन से आप पढ़ेंगे, डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आपने जितने भी जो भी अभी तक आपने रिवाइज करा है वो उसके डाउट्स आप क्लियर कर पाएंगे कल. तो रीजनिंग सेक्शन का डाउट क्लियरिंग होगा. क्वांट में आप पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड इंग्लिश सेक्शन से आप पढ़ेंगे स्पेल करेक्शन. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो कल आप ज़रूर आइएगा हमारे साथ. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि SBI क्लर्क का लाइव टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फ्रॉम 19 जून, दैट इज़ टुडे, 9 AM से स्टार्ट हो चुका है और ये लाइव रहेगा टिल 21 जून फ्राइडे 9 PM तक. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप अपनी ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस लेवल चेक कर सकते हैं और पूरा एनालिसिस भी जो है आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा. सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बिफोर अटेम्पटिंग द रियल एग्जाम. एग्जैक्टली आप पढ़ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम एक्सपीरियंस होता है, रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस जैसा कि आपको एग्जाम में मिलेगा वैसा ही क्वेश्चन पेपर होता है. बहुत सारे बच्चे देश भर से इसको अटेम्प्ट करते हैं, आपको अपनी डिटेल्ड एनालिसिस मिलती है, ऑल इंडिया रैंक मिलता है कि आप देख पाए कि आप कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हैं. आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हो चुका है और फ्राइडे के रात 9 बजे तक आप ले सकते हैं. ये एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट होता है जो टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे होता है. तो वी होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो. अब 2 दिन बाकी है क्लर्क के एग्जाम के लिए और 22nd यानी सैटरडे को है SBI क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर. ये 2 दिन को भी हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं. जैसा कि अपना ने आपको बताया कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होके आइए. कल सुबह 11:30 बजे मिलते हैं आपके तीनों ही फेवरेट टीचर्स के साथ और उसके बाद हम आएंगे आपके लिए ये क्विज लेके. तो सी यू टुमारो, टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.